मदरसे में नोट जिहाद। जी हाँ, यूपी में प्रयागराज के एक मदरसे में नकली नोट के खेल का भंडाफोड़ हुआ है। प्रयागराज की सिविल लाइंस पुलिस और एसओजी ने अतर सुइया इलाके में स्थित एक मदरसे में नकली नोट छापने की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। ये खेल मदरसे के मौलवी की ही देखरेख में चल रहा था। पुलिस ने मौलवी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1.5 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। पिछले करीब 4 महीने से शहर की छोटी दुकानों में नकली नोट खपाने में ये गैंग लगा था। अब इसे बड़े पैमाने पर शहर के बाहर भी खपाने की तैयारी चल रही थी। मदरसे के क्लासरूम में फेक करेंसी का कारोबार। जी हां, प्रयागराज में एक ऐसे ही मदरसे का पर्दाफाश हुआ है जहां पर नकली नोट का कारखाना चल रहा था। नकली नोट छापे जा रहे थे और पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को कुल गिरफ्तार किया है। और फिलहाल देखिए, टाइम नाउ नवभारत की टीम इस वक्त उसी मदरसे के अंदर मौजूद है जहां पर नकली नोट छापे जा रहे थे। इस मदरसे के अंदर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे ये पूरा कारोबार चलता था, कैसे यहां की स्थिति है, क्या तस्वीरें हैं। आप सामने देखिए, ये पूरा एक बड़ा सा हॉल है। इस हॉल के बीच में नमाज अदा की जाती है, जबकि साइड के जो बरामदे हैं वहां पर क्लासेस चला करती थी। डेस्क देखिए आप यहां मौजूद है, इसके अलावा जो दरी है यहां पर बच्चे बैठकर पढ़ाई करते थे। लेकिन किस तरीके से यहां पर नकली नोट का कारोबार किया जाता था, ये चौंकाने वाली बात है। और इस घटना के सामने आने के बाद से देखिए कि इस पूरे मदरसे में फिलहाल सियापा पसरा है। जो बच्चे हैं वो यहां पर अभी फिलहाल नहीं दिख रहे हैं, नदारद हैं। कहा यह जा रहा है कि छुट्टी होने की वजह से बच्चे नहीं आए, लेकिन जो लोग मिल रहे हैं उनके चेहरे बता ये रहे हैं कि किस तरीके से इस घटना के बाद से वो भी हतप्रभ है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने इस मदरसे के प्रिंसिपल समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 2.25 लाख रुपए की जो फेक करेंसी है उसको भी पकड़ा है। फिलहाल पुलिस का जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि इस रैकेट के जो तार हैं वो सिर्फ उत्तर प्रदेश या प्रयागराज ही नहीं बल्कि देश के जो दूसरे सूबे हैं उनसे भी जुड़े सकते हैं, या हो सकता है कि जो इसके तार हैं वो सीमा पार दूसरे देशों से भी हो सकते हैं। और यही कारण है कि पुलिस के साथ साथ अब जो दूसरी जांच एजेंसियां हैं वो भी इस मामले की जांच में जुट गई हैं। और अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से जांच आगे बढ़ती है और क्या कुछ सामने निकल कर आता है। डीसीपी सिटी दीपक भुकर ने बताया कि गैंग का सरगना जहीर खान ओडिशा के भद्रक का रहने वाला है। वो मदरसे में पढ़ने के लिए आया था। यहाँ अतर सुइया इलाके में स्थित मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद आजम में वो मौलवी और कार्यवाहक प्रिंसिपल के संपर्क में आया। दोनों ने मिलकर नकली नोट छापने के लिए मदरसे को चुना। करीब 4 महीने पहले उड़ीसा से इसके लिए उपकरण लाए गए और 100-100 के नोट छापने का काम शुरू किया गया। नकली नोट छापने के लिए अच्छी क्वालिटी का कागज और आधार छापने के लिए प्रयोग में आने वाले प्रिंटर की मदद ली गई। इस गैंग में शामिल मोहम्मद अफजल और मोहम्मद शाहिद इन नकली नोटों को खपाने के लिए सिविल लाइन्स इलाके में लोगों से संपर्क कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। दोनों की निशानदेही पर अतर सुइया स्थित मदरसे में छापेमारी की गई। थाना जो सिविल लाइन्स है, इस पुलिस टीम के द्वारा एक नकली नोट बनाने वाली जो गैंग है उसका खुलासा किया गया है। और इसमें पुलिस के द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक मोहम्मद अफजल है जो अतर सुइया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। दूसरा मोहम्मद शाहिद है, ये अतर सुइया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, करेली। तीसरा जाहिर खान है जो कि उड़ीसा का रहने वाला है। और चौथा इसमें मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन है, ये मूलतः रहने वाला उड़ीसा का है, लेकिन यहाँ पे ये एक मदरसा है जिसका नाम मदरसा जामिया हबीबिया है, इसी का ये प्रिंसिपल था और वहीं पे ये 5-6 साल से रह रहा था। इनके द्वारा उस मदरसे में ही एक रूम में ये जो नकली नोट छापने का जो काम है इनके द्वारा किया जा रहा था। इसमें जो इंडियन करेंसी नोट है वो 100 डिनोमिनेशन का जो नोट था वो इनके द्वारा वहीं पे तैयार किया जा रहा था। और इनके कब्जे से जो बरामद हुआ है उसमें 1300 नोट जो 100 डिनोमिनेशन के फेक करेंसी नोट्स हैं वो बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत जो 1,30,000 की है। उसके अलावा 234 पेज मिले हैं जिसपे इन्होंने जो इंडियन करेंसी नोट 100 डिनोमिनेशन का जिसको इन्होंने प्रिंट कर रखा था, वहाँ से हमें लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, कटर और एक जो सिक्योरिटी थ्रेड होता है उसको मिमिक करने के लिए जो टेप इनके द्वारा यूज़ की जा रही थी वो भी बरामद हुई है।
इनसे पूछताछ में ये पता लगा है कि ये काम ये पिछले 3-4 महीने से इसी मदरसे के रूम में कर रहे थे, और ये सारी चीज़ें जो प्रिंसिपल है उसके संज्ञान में भी थी, और वो भी जो ये नकली नोट छाप रहे थे उसके प्रॉफिट में अपना शेयर रखता था। अभी जो मुखबिर से इनपुट मिली थी उसमें ये पता लगा था कि कुछ नकली नोट बनाने वाली गैंग है, जो कि 15,000 रुपये में 45,000 रुपये के नकली नोट जो है वो प्रोवाइड करवा रही है। इसी इनपुट पे जो सिविल लाइन पुलिस टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है, और जो भी पुलिसकर्मी इस टीम में इन्वॉल्व थे उनको मेरी तरफ से 25,000 रुपीज़ का रिवॉर्ड भी दिया गया है। और इसमें आगे कैसे इन्होंने ये काम सीखा, क्योंकि मेन मास्टरमाइंड जो है वो जाहिर खान है, जो कि उड़ीसा का रहने वाला है, और इसका जो प्रिंसिपल है वो भी उड़ीसा का ही, दोनों भद्रक उड़ीसा के ही रहने वाले हैं। तो उन चीज़ों पे भी हम जो इन्वेस्टिगेशन आगे प्रचलित रहेगी उसमें उन बिंदुओं पे काम करेंगे, और इनसे जो इंटेरोगेशन में जो चीज़ें पता लगी हैं और जो बाकी अन्य साक्ष्य हैं उनके बेसिस पे और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं उस पर भी पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी। मदरसे में क्लर्क के रूप में काम करने वाले मोहम्मद अतीक ने क्या कुछ बताया, सुनिए। किस तरीके से यहाँ पर फेक करेंसी का कारोबार चल रहा था, और क्या इस बात की जानकारी आप लोगों को नहीं थी? नहीं, हम लोगों को जानकारी बिल्कुल नहीं थी। आपके ही मदरसे से प्रिंटर पकड़ा गया, नकली नोट पकड़ा गया? ऊपर बताया ना, ऊपर कोई नहीं रहता, न कोई लड़के जाते हैं, न कोई टीचर, न कोई एम्प्लॉय, कोई नहीं जाते। लेकिन वो तो खुद यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो पकड़े गए हैं, इसके अलावा दो तीन अन्य लोग पकड़े गए हैं, तो ये कैसे ये पूरा काम चल रहा था? वो जो प्रिंसिपल हैं वो भी नीचे नहीं आते करीब 6-7 महीने से, वो भी नहीं आ रहे नीचे। तो आप लोग से बातचीत नहीं होती थी उनकी? मुलाकात ही नहीं होती थी, बातचीत तो बहुत दूर। तो आप लोग को कभी शक नहीं हुआ कि ऊपर से नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं, ऊपर क्या चल रहा है? कभी टीचर लोग बता सकते हैं इसके बारे में, मुलाजिम नहीं बता पाए। कितने सालों से ये मदरसा चल रहा है? यही तो करीब करीब मेरे ख्याल से 70 साल से कम नहीं हुआ होगा। इसके पहले भी इस तरीके की कभी घटना सामने? कभी नहीं। तो जिस तरीके से इस मदरसे पे ये दाग लगा है, बदनुमा दाग लगा है, इस बात का आप लोग को अफसोस है, क्या कहेंगे? बिल्कुल अफसोस है, अफसोस वाली बात ही है। उनको जो है तो वो कमेटी है 13 आदमियों की, 12 आदमियों की, वो जो है फैसला करके निकाल देगी, यहाँ तक उम्मीद है। इस बात का इल्म नहीं था कि यहाँ पर इस तरीके का धंधा चल रहा है? किसी को नहीं पता था। अफसोस है आपको? बहुत अफसोस है। वो असल में वो जो है ना, तो वो क्या नाम है उसका, दोस्ती यारी में वो प्रिंसिपल भी मारे गए हैं। ये प्रिंसिपल जो है वो भी दोस्ती यारी में मारे गए हैं, उसी की दोस्ती थी। अब वो क्या हो रहा था ऊपर, वो लड़का भी जो पकड़ा गया है क्या नाम है अब्दुल जाहिर जी, तो वो भी जो है 5 साल पहले यहाँ पे स्टूडेंट था, यहाँ से पढ़ने के बाद में अपना कई धंधा किया, करते करते अब ये करीब करीब 1.5-2 महीने से यहाँ देखा जा रहा है उसको, कि आता है ऊपर चला जाता है, तब क्या बोला जाए। इस मदरसे के जो प्रबंधक हैं उन लोगों से भी बातचीत हुई है, जो कमेटी के मेंबर से आपकी बातचीत हुई है? नहीं, कोई बात नहीं हुई, क्योंकि जांच का जो दायरा है वो अब बढ़ने वाला है। कहा ये जा रहा है कि इसके जो तार हैं वो विदेशों से भी जुड़े हो सकते हैं, सरहद पार भी। नहीं तो उसको तो बिल्कुल चेक करना चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, कुछ ऐसा है नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं है। ठीक, धन्यवाद। बाहर से ताल्लुक से कोई मतलब ही नहीं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सभी आरोपी 18 से 25 साल की उम्र के हैं। 15,000 रुपए में 45,000 के नकली नोट दिए जाते थे। डीसीपी ने गैंग का खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है।